शायद आने वाले नस्लों तक ये जद्दोजहद ये रहे या ना रहे, पहले हमें खत्म करने की कोशिश की गई, हमारे सरजमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। लेकिन आज जब मेरी माँ करीमा बलोच, आज हम जब उसका दिन मना रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि बलोच को कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि बलोच हर उस दौर में करीमा बन के आई है, हर उस दौर में। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि करीमा कोई नहीं बन सकता, करीमा वो हमारी माँ है, करीमा बनने का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। किसने बोला कि करीमा बनने का कोई शॉर्टकट है? तो कुछ तकरीरें कर लो और कुछ अच्छे अल्फाज बोल दो तो तुम करीमा बन गए? नहीं, करीमा एक जहदकार है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, वो बस वही है। और मैं जो भी अफरा, मैं ये कहती हूँ कि करीमा बलोच कौम की तारीफ है, उस तारीफ के साथ छेड़खानी ना कीजिए। अगर करीमा को अपना है तो पूरा अपना, अगर नहीं अपनाना है तो इसको टुकड़े टुकड़े करके नहीं अपना। वो एक वुमेन एक्टिविस्ट नहीं थी, वो एक बलोच रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थी। उसने उस जगह पर पाया है जिस जगह तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका है।